बच्चों को प्री टेस्ट देने से ना बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और उनको अपना मूल्यांकन करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं इन दोनों सोसाइटी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता, हौसला 22 मेगा टेस्ट सीरीज से करे अपना मूल्यांकन मेलोड्रामा सोसाइटी दिल्ली। आज कलिका सिंह हाई स्कूल खलपुरा, शिवजनम राय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तपसी सिंह हाई स्कूल चिरांद में पढ़ने वाले छात्रों ने गुरुकुल स्टडी पॉइंट के प्रांगण छपड़ा में हौसला 22 प्रतिभा खोज परीक्षा के बैनर तले टेस्ट सीरीज का आयोजन मेलोड्रामा वेलफेयर सोसाइटी व युवा क्रांति रोटी बैंक के सामूहिक तत्वावधान में किया गया। इस टेस्ट सीरीज को बीएसईबी बिहार के मुख्य परीक्षा के अनुरूप रखा गया। इससे छात्रों को मुख्य परीक्षा के दिन होने वाली कठिनाइयों को कम करने और अपना मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। मेलोड्रामा वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अर्जुन सिंह ने बताया कि इस तरह की निःशुल्क टेस्ट सीरीज सारण जिले में एकमात्र उन्हीं के संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रथम टेस्ट में आयोजित होने के बाद विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि उनको यह टेस्ट सीरीज वैसे ही माहौल प्रदान कर रहा है जैसा कि मुख्य परीक्षा में होता है। प्रश्न पत्र भी बीएसईबी के प्रश्न पत्र के ही अनुरूप है, जिससे विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के पहले ही अपनी गलतियों को सुधारने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रश्नों का संकलन नशीम अख्तर बीबीराम उच्च विद्यालय नगरा सारण द्वारा किया गया था। वही युवा क्रांति रोटी बैंक के विजय राज और चांदनी श्रॉफ ने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मेधावी छात्रों की प्रतिभा को उभारने का बेहतर प्रयास संस्था के द्वारा किया जा रहा है। हमारी टीम के शिक्षक इस टेस्ट का मूल्यांकन कर हर बच्चे को रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। इसमें देखा जाएगा कि कितने बच्चे किस विषय में कमजोर है और वो अपनी तैयारी ठीक कर सके। मेलोड्रामा वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली लगातार ऐसे अनेक कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। इसी कड़ी में हौसला 2022 मुख्य परीक्षा के पहले लगातार निःशुल्क टेस्ट सीरीज का आयोजित किया जाएगा। यहां बता दें कि आगामी बोर्ड इंटर परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को हौसला 2023 प्रतिभा रत्न अवार्ड सेकंड से नवाजा जाएगा। सफल आयोजन में चंदन सिंह तोमर सर, संतोष कुमार, नीतीश कुमार, अभिषेक कुमार, शाह झुमन सर, पंकज सर मौजूद रहे। और मेलोड्रामा वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में बच्चों को फ्री टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था। आपके यहाँ कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं मेलोड्रामा वेलफेयर सोसाइटी और युवा क्रांति रोटी बैंक को बहुत बहुत सहे दिल से शुक्रिया करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा जो टेस्ट का आयोजन हमारे संस्थान पे किया गया और बच्चों को प्री टेस्ट देने से ना बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और उनको अपना मूल्यांकन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं इन दोनों सोसाइटी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके आपको और आपके सहयोगी को, और साथ ही साथ हम अपने युवा क्रांति रोटी बैंक के CEO साहब को। कितने बच्चे आपके यहाँ पार्टिसिपेट किए थे? मेरे यहाँ 150 बच्चे अभी पार्टिसिपेट किए थे, 150 प्लस थे। सारे बच्चों ने एग्जाम दिया? हाँ, सभी बच्चे 10+2 के थे, मैट्रिक के थे। बच्चों में किस तरह का उत्साह देखा गया? बच्चों में बहुत ही अच्छा खासा उत्साह था। 11 बजे एग्जाम था, 11 बजे से पहले ही आ गए थे और एग्जाम के बाद भी वो लोग काफ़ी खुश नजर आए और बहुत सारे बच्चे को अपने में कमी दिखाई दिया, तो बहुत अच्छा लगा कि वो लोग अपने कमियाँ सुधारने के लिए कहे। उनके पास अभी 2 महीना 2.5 महीने का समय है। जो क्वेश्चन था आज के एग्जाम में, वो सिलेबस से था या सिलेबस से बाहर का था? अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिलेबस के एकदम बोर्ड लेवल का सिलेबस था। बोर्ड में जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इजीली ऑब्जेक्टिव था, कोई टॉप क्वेश्चन नहीं था। कोई कोई बच्चा थोड़ा संस्कृत नहीं पढ़ा था, उसमें हल्का सा कमी हो रहा था, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और इस प्रकार के क्वेश्चन ही बोर्ड में टच किया जाता है। एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो किस जगह पे हुआ था और जिस संस्थान में हुआ था उसका क्या नाम है? ये एग्जाम खलपुरा में हुआ था, गुरुकुल स्टडी पॉइंट चंदन सर के कोचिंग में, और हमारे कोचिंग के साथ साथ बगल में झुमन भैया का कोचिंग है, माँ ज्ञान और भी अलग अलग कोचिंग के हैं, तो वहाँ से भी 2-4-10 बच्चे अपने पार्टिसिपेट किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।